हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने सैमसंग का इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है जो डेल्टन का है। इसमें जो फॉल्ट आ रहा है वो ये आ रहा था कि इसके सक्शन वाले पाइप पे आइस आना स्टार्ट हो गई। आइस क्यों आती है, आइस के क्या रीजन होते हैं, और मोटे वाले जो पाइप होता है उस पर आइस क्यों आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपके सामने भी अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको कहना है इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसमें जो फॉल्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आपके सामने अगर ये सेक्शन वाले पाइप पे, मोटे वाले पाइप पे आइस आ रही है तो क्यों आती है और क्या रीजन होता है, और वहां पे आपके सामने जब आइस आती है तो आप क्या क्या चेकआउट करें जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। सबसे पहले तो आपको चेकआउट करना चाहिए कि आपका जो जो पाइप है, जो सेक्शन वाला पाइप है, आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा आइस है और आइस जमा हो गई, आइस बहुत ज्यादा जमने स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले आपको चेकआउट करना है कि आपका जो फिल्टर होगा वो क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर वो क्लीन नहीं है तो वहां पे क्या होगा, आपका ब्लोअर मोटर जो होगा, जो आपकी कूलिंग कॉइल होती है, उससे क्या है एयर को सक करता है। जब आपका जो फिल्टर होंगे बहुत ज्यादा डस्टी होंगे, फिल्टर जब डस्टी होते हैं तो ब्लोअर जो होता है कूलिंग कॉइल से एयर को सक नहीं कर पाता है, तो ब्लोअर की स्पीड जो होती है कम हो जाती है, फिर वहां पे सक्शन वाले पाइप का आइस आना स्टार्ट हो जाती है शुरू। नंबर वन पे आपको यही चेकआउट करना है कि आपके फिल्टर नीट एंड क्लीन होने चाहिए। उसके बाद आपको कूलिंग कॉइल को चेकआउट करना है कि कूलिंग कॉइल जो होती है बहुत ज्यादा डस्टी हो जाती है, तब वहाँ पे ब्लोअर मतलब एयर को सक नहीं कर पाता, और जो बैक साइड होती है, बैक साइड की जो कूलिंग कॉइल होती है वहाँ पे और ज़्यादा डस्टी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जब डस्ट बहुत जमा हो जाती है तो वो ब्लोअर मोटर जो होता है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तब वहाँ पे मोटे वाले पाइप पे आइस आना स्टार्ट हो जाती है। वो ब्लोअर मोटर की स्पीड आप चेकआउट करें, ब्लोअर मोटर जो होता है, ब्लोअर मोटर का जो ब्लोअर मोटर होता है वो डस्टी नहीं होना चाहिए, वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और उसकी स्पीड भी आप देख लें कि स्पीड एकदम प्रॉपर तरीके से आउट करे एयर को। अगर वो स्पीड ठीक नहीं होगी तब भी आपका ब्लोअर मोटर जो होगा वहां पे मतलब स्पीड स्लो होगी और आपके सेक्शन वाले पाइप में आइस आना स्टार्ट हो जाएगी। ब्लोअर मोटर में जो बुश लगे होते हैं वहां पे क्या होता है, जंग आ जाते हैं। जब जंग आ जाते हैं तो वहां पे ब्लोअर मोटर की स्पीड स्लो हो जाती है, तो जंग आ जाते हैं वहां पे ब्लोअर मोटर की स्पीड स्लो हो जाती है, इसी वजह से सेक्शन वाले पाइप पे आइस आती है। अगर आपके बुश में जंग आ गया तो वहां पे ऑयल वगैरह डाल दें, उसके बाद जब ऑयल डाल देंगे या फिर ग्रीसिंग कर देंगे तो ये जो प्रॉब्लम है स्लो की, मतलब ब्लोअर मोटर आपका स्लो घूमता है, स्लो चलता है, एयर को कम देता है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर बुश जाम है तब। अदरवाइज अगर उसका कैपेसिटर वीक है या फिर पीसीबी की में क्या होता है, इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में डीसी कैपेसिटर लगे होते हैं, तो वहाँ उसको चेकआउट कर लें कि वो तो मतलब वीक नहीं है। अगर वो वीक होंगे तो वहाँ पे सक्शन वाले पाइप पे आइस आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको चेकआउट करना है कि आपका पाइप कहीं से पंच नहीं होना चाहिए। अगर सेक्शन वाला पाइप, जो सेक्शन वाला पाइप होगा वो पंच होगा तब भी वहां पे आइस आना स्टार्ट होगी, और अगर आपका सेक्शन वाला पाइप चोक होगा, कहीं से स्टम चोक होगा, तब वहां पे आइस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसको चेकआउट कर लें कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, पाइप कहीं से पंच नहीं होना चाहिए और आपकी जो चोकिंग की प्रॉब्लम है वो भी कहीं से नहीं होना चाहिए, वरना आइस आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका जो एयर कंडीशन है, चाहे वो नॉन इन्वर्टर हो या फिर इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन हो, कोई भी कंपनी हो, अगर गैस ओवर है फिर भी वहां पे सेक्शन वाले पाइप पे आइस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख लें गैस को, जो रेफ्रिजरेंट है आपकी, वो कम मतलब ओवर नहीं होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। अगर कम होगी तो इन्वर्टर मॉडल में क्या होगा, डिस्चार्ज वाले पाइप में आइस आएगी, और अगर ज्यादा होगी तो सेक्शन वाले पाइप में आइस आना स्टार्ट हो जाएगी। इन्वर्टर हो या फिर नॉन इन्वर्टर हो, अगर वहां पे गैस कम है तो आपका जो डिस्चार्ज वाला पाइप है वहां पे आइस आना स्टार्ट हो जाएगी, अगर गैस ओवर होगी तो सक्शन वाले पाइप पर आइस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप गैस को भी चेकआउट कर लें और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अगर आपका नॉन इन्वर्टर एसी है और वहां पे क्या है, आपका रिले लगी है, रिले जो है शॉर्ट हो गई है, और उसमें आपने क्या करा है, आपने जो रिमोट से इंडोर को ऑफ कर दिया, मतलब एसी है जो रिमोट से ऑफ कर दिया, तो उसके बाद क्या होता है, आपका कंप्रेसर जो होता है कंटिन्यू चलता रहता है, आपको पता नहीं होता, फिर वो पूरे एपोरेटर और आइस आना स्टार्ट हो जाती है, आपकी पूरी कॉइल मतलब आइस ही आइस हो जाती है, शिमला बन जाता है बिल्कुल ही, और पाइपिंग में सब पे आइस आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख लें कि वो होगा जो आपने मतलब रिमोट से ऑफ किया और वहां पे क्या है, आपकी रिले फॉल्टी होती है, इस वजह से सप्लाई कंटिन्यू रहती है और आपका कंप्रेसर कंटिन्यू रनिंग कंडीशन में रहता है। तो आप क्या है, मैंने ये जो मतलब जो फॉल्ट होते हैं, जो मोस्टली फॉल्ट आते हैं, कॉमन जो फॉल्ट होते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यूज़ देख के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।